प्रियंका सैनी, प्रियंका तोमर, ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। क्या मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्या? मेरे डिजिटल बोर्ड में टाइम जो है उसमें 3 मिनट कम है अभी, तो ऐसा है क्या कि मैं क्लास पहले स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? अच्छा पता है तुम लोगों को, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना तो मेरा रिकॉर्ड था, मैं हमेशा क्लास में 10 से 12 मिनट लेट जाती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन पढ़ाने लगी हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं ऑन टाइम आती हूँ एकदम। मतलब 1 मिनट भी लेट होना मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा बच्चा मोबाइल के आगे बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा इंटरनेट ऑन करके कि भैया मैम की क्लास होगी होगी, तो ना अंदर से ही ऐसा लगता है एकदम कि बच्चों को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए, है ना? यस पूजा, आज मेमोरी बूस्टर जो बैच नंबर 2 है उसकी क्लास 3 बजे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? हाँ मैम जल्दी आ जाती हो? अरे यार दिनेश अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे कहते हैं कि जल्दी आ जाती है। ऑफलाइन वाले बच्चे हमेशा मुझसे गुस्सा रहते थे, मैम आप 10 मिनट लेट आती हो, 10 मिनट पहले छोड़ देती हो। हालांकि मैं नहीं, हर कोई स्टूडेंट ऐसा ही करता था, है ना? चलो विवेक कुमार, लोकेश त्यागी, जीत राव यादव कह रहे हैं मैं भी प्रेजेंट हूँ। हाँ बिल्कुल आप भी प्रेजेंट हो, मैं भी प्रेजेंट हूँ। आइए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा आज ना तुम लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनना। 2 अनाउंसमेंट है। एक तो आज से मेमोरी बूस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है। मेमोरी बूस्टर का बैच जो अजीत भारती सर का बैच है और उसका बैच नंबर 2 है, आज 3 बजे से उसकी एक क्लास होगी, सबके लिए फ्री है। तो अगर आपको लगता है कि वो बैच आपके लिए बेनिफिट दिला सकता है आपको मेमोरी अच्छी करने के लिए, मतलब मुझे लगता है 60-70% तो आपको फायदा होगा उस बैच में, क्योंकि मैंने पिछले बच्चों का रिव्यू लिया था, उन बच्चों ने मुझे बताया था कि हाँ मैम हम बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, ठीक है? तो एक तो ये अनाउंसमेंट है, आज की क्लास कर लेना एप्लीकेशन पर, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बैच हमें ज्वाइन करना चाहिए तो एक बार क्लास कर लेना, जाकर देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि सर जो है ना, सर मेमोरी के अंदर अपना एशिया रिकॉर्ड बना चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अगर आप देखोगे तो आप सर का कि 1 मिनट के अंदर 200 से ज़्यादा वर्ड्स याद करने का सर ने बता रखा है। तो एक बार आप जाकर, आज 3 बजे वाली क्लास मैंने सबके लिए फ्री करवा दी है, हालांकि सर तो इसके अगेंस्ट थे कि मैं नहीं करवाऊंगा इसको फ्री, लेकिन मैंने कहा सर एक क्लास तो बच्चों को देखने दो, तभी तो समझ में आएगा, तो बच्चा परचेज करेगा बैच, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एक तो आप सर की एक क्लास देख लेना, है ना? हाँ मेरी क्लास तो 3:30 छुटेगी, अब मैं तो पढ़ाऊंगी यार, वो बाद में देख लेना, सबके लिए फ्री होगी वो आप 3:30 के बाद देख लेना, 4 बजे देख लेना, जब भी आपकी मर्जी है तब देख लेना। दूसरा अनाउंसमेंट ध्यान से सुनना कि कुछ बच्चों ने RRC ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे, अप्रोक्स 1.3 लाख की वैकेंसी है आप जानते हो, लेकिन 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा उसमें फॉर्म फिलअप किए गए हैं, लेकिन उनमें से अप्रोक्स 2 लाख बच्चों के RRC ग्रुप डी वालों ने क्या किया है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। आप भी हैं क्या इनमें से कोई? अगर कोई ऐसा आप में से भी है क्या ऐसा कि जिसका 2 लाख में से फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और फॉर्म रिजेक्ट होने का उन्होंने क्या दिया, रीज़न क्या दिया कि भैया एक तो आपकी फ़ोटो सही नहीं है, मतलब फ़ोटो आपकी पुरानी है, एक रीज़न दिया कि आपका जो सिग्नेचर है वो सही नहीं है, जबकि वही बच्चे NTPC का फॉर्म भर के CBT 1 दे भी चुके हैं, सेम फोटो सेम सिग्नेचर उन्होंने NTPC के फॉर्म में किए थे। तो अगर इन बच्चों की फोटो और सिग्नेचर गलत होते तो NTPC CBT 1 वालों के लिए भी फॉर्म रिजेक्ट होने चाहिए थे। तो ये ग्रुप डी में धांधलेबाजी चला रहे हैं और कुछ नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम करवाने वाले हैं और इनकी इतनी औकात है नहीं कि ये 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स का एग्जाम करवा देंगे, तो इसलिए ये लोग बस कुछ नहीं, अपने वो चौंचले होते ना, हमारे यहाँ बोलते हैं इनको चौंचलेबाजी, तो ये लोग चौंचलेबाजी कर रहे हैं ताकि हमें जितना कम एग्जाम करवाना पड़े बच्चों का उतना कम एग्जाम करवा रहे हैं वो। तो फिर क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने रीट वगैरह लगवाई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 40,000 बच्चों के फॉर्म तो इन्होंने सही कर दिए, अप्रोक्स 40,000 बच्चों के फॉर्म इन्होंने मान लिया कि हमारी साइट में कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से इन बच्चों के फॉर्म हम वापस सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी 1,60,000 बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट करने का रीज़न क्या दिया गया कि आपकी फ़ोटो पुरानी है, आपका सिग्नेचर गलत है।
आपका फोटो पुरानी, आपकी सिग्नेचर गलत है, जबकि वही बच्चा एनटीपीसी का फॉर्म भर चुका है, एग्जाम भी दे चुका है। तो ये सब इनकी चौंचलेबाजी है। तो आज मैं इसके लिए ना एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आज शाम 5 बजे यूट्यूब पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इनकी धांधलेबाजी नहीं चलने वाली है। 1,60,000 बच्चों का फ्यूचर इन लोगों ने दाव पे लगा दिया है। मान लो 1,60,000 में से 60,000 बच्चे ही एग्जाम देने चाहते, लेकिन फिर भी उन बच्चों के साथ गलत तो हो रहा है ना। तो इसलिए मैं एक बार बच्चों, है ना, एक बार मैं ना 5 बजे यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। सिर्फ इनकी बदतमीजी और कुछ नहीं है, इनको एग्जाम नहीं करवाना इनके बस की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाना। इसलिए ये अभी स्टेप बाय स्टेप बाहर कर रहे हैं बच्चों को, बहुत सारों को। देखो अंजनी कुमार कह रहे हैं, मेरा भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक बार आप जाकर देख लेना, अगर आपके पास रेलवे की साइट से कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई मेल आया है, जो ईमेल आपने दिया था, या आपके पास जो मोबाइल नंबर आपने सबमिट किया था, उस पर आपका फॉर्म तो कैंसिल नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को लेकर डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि अब रेलवे एग्जाम करवाएगा, ग्रुप डी का एग्जाम होना है, आप मान के चलो अगले महीने में डेट आ जाएगी इसकी। जैसे ही आपका ये CBT 1 के जो बचे हुए एग्जाम है ये हो जाएंगे, तो ये करवाएंगे। तो ये लोग अपनी धांधलेबाजी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जितना कम हो सकते उतने बच्चों का एग्जाम करवाएं। तो हमें इनको ना यही रोकना पड़ेगा। हाँ, खिलाद कह रहे मेरा भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए एक आवाज़ उठाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता इस मुहिम का क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, इतने सारे बच्चों के ईमेल आए, जो इतने डिप्रेस्ड हैं कि मैम मतलब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, बिना बात के हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टेप, एक इनिशिएशन हमें लेना चाहिए। क्या पता वापस जैसे इन 40,000 बच्चों का यहाँ पर, इन बच्चों ने जब इतनी ज़्यादा बार बार कंप्लेन की, तो इन बच्चों का यहाँ पर फॉर्म वापस सबमिट कर लिया, तो हम लोग ने एक हैशटैग चलाने वाले हैं। ठीक है, तो आज शाम 5 बजे मैंने एक इवेंट लगवाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए एक आवाज़ उठाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इन बच्चों की नहीं सुनी। इसलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें हम 18 जुलाई सुबह 10 बजे ट्विटर पे ट्वीट करेंगे हम, है ना। ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, या आपका कोई भी मीडिया में कोई जानकार है तो प्रिंट मीडिया में, हार्ड मीडिया में ये चीज बार बार पहुंचाएं वहां पर, क्योंकि इलाहाबाद में बच्चों ने किया, तो उन बच्चों का वापस से फॉर्म सबमिट मान लिया है उन लोगों ने कि हमारी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। लेकिन अब जिस बच्चे का एग्जाम कैंसिल हुआ है, और नहीं भी हुआ यार, तो तुम लोगों के साथ भी फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को ना एकजुट होकर, जो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आज 5 बजे, उसे आपको शेयर करना है। और हम कितने 18 जुलाई को हम सुबह 10 बजे हम ट्वीट करने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें मॉडिफिकेशन लाओ, और मॉडिफिकेशन लाकर बच्चों का ये जो 1,60,000 बच्चों के तुम भविष्य के साथ खेल रहे हो ना, इसको बंद करो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरा साथ देंगे इसमें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं रात भर से, इतने सारे 2-3 दिन से कैंसिल हो रहे हैं। आपके पास भी मेल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फॉर्म किसी भी समय कैंसिल कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि लोग बेवकूफ हो गए, ये लोग थटिया गए हैं और कुछ नहीं है। चलिए, तो फिर अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 5 बजे यूट्यूब पर मिल जाना, और प्लीज़ जो वहाँ पर नोटिफिकेशन लगा हुआ, मेरा इवेंट लगा हुआ यूट्यूब पर, उसे शेयर कर देना, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है कि उनका फॉर्म कैंसिल हुआ, एक बार वो चेक कर लें, उनके पास मेल आया होगा, उनके पास मैसेज गया होगा, टेक्स्ट मैसेज, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, है ना, एक बार चेक कर लेना। आइए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है जंतु उत्तक। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन थी कि मैम आप एनिमल टिश्यू नहीं करवाती हैं, जबकि मैं हर बैच में करवाती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू आज का हमारा चैप्टर है। देखो कभी कभार एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन टीचर्स अक्सर इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि थ्योरी वाला चैप्टर है। किसी भी किताब को उठाओगे, कोई भी NCERT उठाओगे, तो आप क्या करोगे, तुरंत वहां से पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत पढ़ लोगे। तो एनिमल टिश्यू ऐसा चैप्टर होता है, थ्योरी वाला चैप्टर होता है कि बच्चा रट्टा लगा लेता है, कुछ समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो समझाने वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ।
ठीक है, आइए अब सुनिए एनिमल टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है खिलाद, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही करवाऊंगे, ठीक है बेटा। सुनो, एनिमल टिश्यू सबसे पहले आप जानते हैं व्हाट इज टिश्यू। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जब मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल बनती है। यस मैम, आपने बताया था इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर हम लोग प्लांट, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेल्यूलर हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या बताया था मैम ने, बहुकोशिकीय, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारे टाइप की हैं। भैया एक होता है यूनिसेल्यूलर, पढ़ाया था ना मैंने, एक होता है यूनिसेल्यूलर जिसका मतलब क्या होता है एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीवों में टिश्यू नहीं होते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें एक सेल है और एक ही सेल लगी हुई है, ठीक है, एक सेल है और वही सेल इसका बॉडी है, वही इसका सब कुछ यही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा टिश्यू नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल बताए थे मैंने, जैसे बैक्टीरियाज, अगर आप बात करोगे ना तो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेल है, उसमें टिश्यू वगैरह नहीं बने हैं। टिश्यू सिर्फ किस में दिखेंगे आपको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे गाय भैंस घोड़ा बकरी प्लांट्स और हम लोग, हम में क्या दिखेंगे टिश्यू, क्योंकि हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। तो मैंने कहा था जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सबसे पहले सेल बनती है ऐसे, फिर ये सेल अपने आप को डिवाइड करती है ऐसे दो, फिर आगे दो सेल्स, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स का क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, ऐसे बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन लिखें, एक बार सीजीएल ने इतना थका हुआ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज टिश्यू, उत्तक क्या है, तो उत्तक की डेफिनेशन क्या होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स लिखो एक जैसी सेल्स सिमिलर सेल्स इन एनी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टिश्यू। क्या मतलब हो गया उसका, कोई भी ऐसा एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें सिमिलर सेल्स, सिमिलर का मतलब है एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, उसे टिश्यू बोलते हैं, उसे उत्तक बोलते हैं। ऐसा कोई एनिमल या ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या हो, बहुत सारी एक जैसी सेल्स हो, लिखिएगा एक जैसी कोशिकाओं का ग्रुप, एक जैसी कोशिकाओं का ग्रुप, कोशिकाओं का ग्रुप या का समूह है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे बहुत सारी सेल्स का जब ग्रुप बन जाता है, तो ये सेल्स का ग्रुप सिमिलर जी सेल है, ऐसा नहीं है कि ये सेल बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये लंबी होगी, ये चौड़ी होगी, नहीं, सिमिलर सी सेल्स, उनका एक ग्रुप, और इसी ग्रुप को आप क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि जब टिश्यू बन जाते हैं तो आगे चलकर टिश्यू से क्या बनते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं, अंग बनने लग जाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक लिविंग बॉडी बनता है। तो कोई भी एक सजीव है, कोई भी एक लिविंग बॉडी है, उसके शरीर में सिमिलर से सेल्स का एक ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू, और फिर यही टिश्यू की लेयर आगे चलकर क्या फॉर्म करती है, ऑर्गन्स, अंग बनाती है, अंग बनाती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, टिश्यू। तो एक बार सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज टिश्यू, तो बच्चा ये वहां पर डेफिनेशन थी कि भैया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का समूह है, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बच्चा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी टिश्यू होते ही नहीं है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चा आप याद रखोगे कि उनमें नहीं होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स होती हैं। तो ऐसी सेल्स का ग्रुप
जो सिमिलर सी सेल्स का एक ग्रुप बना हुआ है और जो आगे चलकर क्या फॉर्म करता है, आगे चलकर अंग बनाता है, आपका हाथ नाक कान गला, आपका लीवर पेनक्रियाज हार्ट फेफड़े किससे मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। तो वो टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, वो हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ हमारे बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं, हमारा शरीर कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ होता है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको बॉटनी करवाऊंगी तो वहां पर प्लांट टिश्यू के बारे में बताऊंगी कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, परमानेंट मेरिस्टमैटिक, वो बाद की बातें हैं। अभी सिर्फ हमारे शरीर में कौन कौन से टिश्यूज हैं, प्रेजेंट हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर कि डेफिनेशन के बारे में पता चल गया आपको कि डेफिनेशन क्या होती है टिश्यू की। अब बात करेंगे मैम हमारे बॉडी में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कभी कभार ऐसा थका हुआ क्वेश्चन भी आ जाएगा एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ लेगा कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या करके आओगे, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। देखिए कौन कौन से, मैं यहां पर आपको कुछ पीपीटीज बनाकर लाई हूं डायग्राम के साथ, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं इसकी, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो आप सही दिख रहा होगा ना एकदम। चलिए देखिए एनिमल टिश्यू जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं यहां पर इसलिए पीपीटी से पढ़ा रही हूं बच्चों, क्योंकि यहां पर डायग्राम के साथ आपको समझ में आएगा ये चैप्टर, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। धीरज कुमार कह रहे हैं ह्यूमन आय हो गया, बेटा कल पढ़ा तो दिया ह्यूमन आय, ह्यूमन आय में सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़नी होती है, वो मैंने पढ़ा दी है, क्या बचा ह्यूमन आय में, कुछ नहीं बचा बेटा। कल की क्लास आपने अटेंड नहीं करी क्या धीरज, कल पढ़ाया तो था ह्यूमन आय, कॉर्निया आयरिस प्यूपिल सब पढ़ा दिया था बेटा। हाँ ह्यूमन आय की जो डिजीज है या जो आपके डिसऑर्डर हैं वो सारे अच्छे से वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। आइए यहां पर तो जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाए कि एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप से, कौन कौन से ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में इसे कहा जाता है उपकला उत्तक, दिख रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो ब्राइटनेस और कम कर दूंगी मैं। हाँ जितनी कम करूंगी उतनी मैं काली दिखूंगी तुम लोगों को, ठीक है। सुनिएगा तो पहला एनिमल टिश्यू पहला टाइप कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, कभी कभी इसे एपिथेलियम भी लिखा हुआ होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो हमारी मसल्स में होते हैं, जो हमारी मांसपेशियों में होते हैं। और फोर्थ आते हैं न्यूरल टिश्यू, जो तंत्रिका उत्तक, जहां पर न्यूरोन आता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि न्यूरोन क्या होते हैं, जब बहुत सारे न्यूरोन आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे न्यूरोन सेल्स की लेयर बनती है, उसे न्यूरल टिश्यू कहते हैं। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, आगे प्लांट वाले में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से लिखोगे, एक बार फिर से लिखो, याद करो, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ पे कौन से आते हैं, न्यूरल टिश्यू आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो कितने टाइप के हैं ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन से टिश्यू होते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू कौन से हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगी कनेक्टिव टिश्यू में ही एग्जाम्पल होता है ब्लड, ब्लड खून भी कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगी लीगामेंट टेंडन कार्टिलेज ये सब क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे कम कोई नहीं होता, ये बाकी के 3 इक्वल से ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा संयोजी ऊतक। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू। अब हमें एक एक करके सब पढ़ने हैं।
अब हमें एक एक करके सब पढ़ने हैं। तो एक नंबर पे सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यही थोड़ा सा बच्चों के लिए याद रहना टफ होता है, बस बाकी कुछ क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं। तो एक नंबर पे लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं वो सुनिए ध्यान से, इस पीपीटी बाद में समझ में आएगी, पहले मेरे साथ पढ़ो। एक नंबर पे लिखेंगे आप एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर वन पे लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, और हिंदी में लिखेंगे उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, अगर आपसे एक लाइन में पूछ ले तो ध्यान से सुनना। जब बहुत सारी सेल्स की ऐसे बहुत सारी सेल्स एक ही लाइन में ऐसे कनेक्टेड हो, एक ही लेयर मिलकर बनी हुई है, ऐसे जब बहुत सारी सेल्स हैं एक जैसी सिमिलर सेल्स और एक लेयर में बनी हुई हैं, किसमें, एक लेयर से, एक लेयर का मतलब है एक परत, सिर्फ एक ही परत की बनी हुई अगर कोई सेल्स का ग्रुप दिखा है तो उसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो आप नोट करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स की एक ही लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी बात सुनना, इन टिश्यू की जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो सेल्स हैं इन टिश्यू के अंदर, इन सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है, इन सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है, मतलब पहला सेल फिर दूसरा सेल फिर तीसरा सेल फिर चौथा सेल फिर पांचवा सेल फिर छठा सेल, ये जो सेल्स है ना ये आपस में क्या होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। तो यहां पर जो सेल्स है ना, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। जो कोशिकाएं हैं इन टिश्यू के अंदर वो बहुत टाइटली, बहुत टाइट से ऐसे बंधी हुई होती हैं। कहने का मतलब है कि इन सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन से टिश्यू हैं जिन टिश्यू के अंदर बिल्कुल भी सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। ऐसे बच्चा एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना उसे कहा जाता है इंट्रासेल्युलर गैप या इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, उसे कहा जाता है इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। दो सेल्स के बीच में जो गैप है या जो जगह पड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है इंट्रासेल्युलर या इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर होगा, नॉट इंट्रा होगा, इंटरसेल्युलर, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। इसीलिए क्या होगा, आप बताओगे बेटा कि इसीलिए ये जो सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड है, क्लोजली एक दूसरे के लगी हुई होती हैं, और इसमें सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। और यहाँ पर सेल्स के बीच में जो गैप, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय, कोशिकीय हिंदी में बोलते हैं अंतरकोशिकीय या अंतःकोशिकीय जगह, अंतःकोशिकीय जगह कहा जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इस टाइप के टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस या मैट्रिक्स इज एब्सेंट। इन प्रकार के ऊतकों में अंतरकोशिकीय जगह बिल्कुल भी नहीं होती है, इन टिश्यू को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या क्या डेफिनेशन, सेल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगी, सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है सेल्स के बीच में, और एक ही लेयर से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। अब मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, इसका इमेज दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होते हैं ये। ये देखिए बेटा, जब आप बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तो इस इमेज में आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक सेल ये रही, फिर दूसरी तुरंत इसके पास लगी हुई है, तीसरी यहां लगी हुई है, चौथी यहां लगी हुई है, तो बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है कि कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस इन दिस टाइप ऑफ सेल्स।
तो ये टिश्यू वो टिश्यू जो एक लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं, और इनकी सेल्स के बीच में बिल्कुल भी मैट्रिक्स नहीं होता है, इन्हें कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं कि ये कहाँ होते हैं। बच्चों ये जो टिश्यू होते हैं ये हमारे बॉडी की कवरिंग बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की कवरिंग बनाना, कवरिंग बनाना या हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी की लाइनिंग बनाना, लाइनिंग बनाना। लाइनिंग बनाना का मतलब है आपकी स्किन, इसके ब्रैकेट में लिखोगे स्किन का निर्माण करते हैं, ये त्वचा का निर्माण करते हैं। आप देखो आपकी जो स्किन है उस स्किन के बीच में आपको बिल्कुल, मैम प्लीज मैम पैकेज में नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है पैकेज में, हाँ क्या नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कौन सा पैकेज दिया जाता है यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार भारती पढ़ाने दीजिए ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है सुनिए, आप अपनी स्किन को देखेंगे तो आपकी स्किन में आपको बिल्कुल भी क्या नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा सेल्स के बीच में। अगर आपकी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, कोई और टिश्यू होता, तो इतनी सी स्किन बनी होती, फिर बीच में जगह होती, फिर इतनी स्किन होती, फिर इतनी स्किन होती। इसीलिए याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में कहीं पर भी किसी ऑर्गन की कवरिंग बनानी है। मान लो ये आपका हार्ट है, तो इस हार्ट के चारों तरफ क्या है, ऐसे कवरिंग बनानी है बेटा, इस हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ होगा, एक कवर बना हुआ होगा। तो ये कवरिंग बनाने का काम किसने किया होगा, एपिथेलियल टिश्यू ने किया होगा। जो मेजर काम है ना इनका, इन टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं सुरक्षा प्रदान, तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। जब गैप नहीं है तो हार्ट के चारों तरफ इन टिश्यू की एक लेयर लगा दो ऐसे, तो इस हार्ट के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो कभी इस लेयर से बाहर नहीं जा सकती। मान लो यहां पर मैंने एक सोने की चीज रख दी, गोल्ड रख दिया, इस गोल्ड के बाहर मैंने यहां पर चार आदमी खड़े कर दिए ऐसे, और मैंने कहा तुम चारों लोगों को ध्यान रखना ये सोना कभी भी चोरी नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ चार आदमी लगाए, तो यहां से कोई एक इस कॉर्नर पे लगाया, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, लेकिन मान लो ये तो चारों कॉर्नर पे हैं, यहां से कोई एक चोर घुस गया तो वे सोने के चोरी करके ले जाएगा, तो ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं इस सोने के चारों तरफ इतने सारे बंदे खड़े कर दूं, इतने सारे ऐसे बंदे लगा दूं, एकदम पास पास टाइटली पैक्ड बंदे लगा दूं, तो क्या कभी कोई चोर आके इस सोने को चोरी कर सकता है, नहीं। तो ऐसे ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, कवरिंग बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले। जैसे आपके हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन है वो इन्हीं टिश्यू की बनी हुई होगी, जैसे आपके फेफड़ों के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है इन्हीं टिश्यू की बनी हुई होगी, आपके ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो इन्हीं टिश्यू की बनी हुई होगी। तो एक तो हमारे बॉडी में ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, दूसरा लाइनिंग बनाने का, और लाइनिंग का मतलब क्या है, स्किन, ये जो आपकी स्किन है इसको बनाने के लिए कौन से टिश्यू काम में लिए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। पहले हैं एपिथेलियल टिश्यू जिन्हें बोलते हैं हम उपकला उत्तक, ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स एक ही लाइनिंग में, एक ही लेयर में बनी हुई है, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और ये टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो बिल्कुल भी मैट्रिक्स की जगह नहीं है। दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान कहा जाता है, तो यहां बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये क्या काम करते हैं, ये कवरिंग बनाने का काम किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ, ताकि इस ऑर्गन को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। और दूसरा ये लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, जैसे हमारी स्किन। तो आपकी जो स्किन है इसमें कौन से टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये बात होगी आपकी एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनको स्ट्रक्चर के आधार पर, किसके आधार पर, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर आगे इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा चीजें, लेकिन आपको समझनी है, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लोगे, एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। जो आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं उनको स्ट्रक्चर के बेस पे, उनकी संरचना के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी। पहले आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपी
एपिथीलियल टिश्यू, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? सरल उपकला उत्तक, हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा सरल उपकला उत्तक। और दूसरी तरफ आता है कंपाउंड, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बोलो या बोलो कॉम्प्लेक्स एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा जटिल, जटिल जटिल उपकला उत्तक, जटिल उपकला उत्तक। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो एपिथीलियल टिश्यू होते हैं उनको स्ट्रक्चर के बेस पे आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? नंबर वन पे आता है सिंपल एपिथीलियल टिश्यू, और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स एपिथीलियल या कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू। आप मैथ्स में पढ़ते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, बताओ ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा लगता है, ज्यादा हार्ड कौन सा लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आसान सी बात है कि भैया ये बहुत सरल टिश्यू होते हैं, ये सिंपल टिश्यू हैं, दिखने में भी सिंपल होंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सरल संरचना होगी, ये सिंपल टिश्यू हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चों ये जटिल होंगे, ये दिखने में कैसे होंगे? जटिल होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी इनकी। कैसे होगी जरा देखिएगा, मैं आपकी इमेज दिखाती हूं इसकी, ये देखो ये वाले टिश्यू हैं, ये सिंपल एपिथीलियल टिश्यू हैं, ध्यान से देखो, आपको एक सेल्स की लेयर, दूसरी सेल्स की लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे, ये देखो ये सेल्स की लेयर है, फिर एक ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, दिखने में बड़े ही सिंपल है इनकी स्ट्रक्चर। आप देखकर बता दोगे कि भैया जहां पर ऐसे एक ही सेल्स की लेयर ऐसे बनी हुई हो और ये क्लोजली पैक्ड हो, ऐसे पहले एक लेयर बना फिर दूसरा बनेगा, ऐसा नहीं है कि इसी सेल के ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर सी बनती है टिश्यू की, है ना। तो सिंपल टिश्यू ये है जो सिंगल लेयर से मिलकर बने हुए हो, कि भैया एक लेयर ऐसे, पहले ये लेयर खत्म होगी फिर दूसरी लेयर स्टार्ट होगी, तो वो अलग अलग लेयर से मिलकर बने हुए हैं और ये क्लोजली पैक्ड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इन्हें कहा जाता है सिंपल एपिथीलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक। लेकिन जब कंपाउंड कौन सा एपिथीलियल टिश्यू की बात करते हो, तो ये दिखने में देखो बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ होगा, ये पहला सेल, फिर इसी के ऊपर कोई दूसरी सेल आ गई, इसी के ऊपर कोई तीसरी सेल लग गई, चौथी सेल लग गई, ऐसे करते करते हजारों लाखों करोड़ों सेल्स लग गई, जो दिखने में ही आपको क्या लग रहा है मल्टी लेयर से मिलकर बना हुआ हो, बहुत सारी परत से मिलकर बना हुआ हो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। तो जरा लिखिएगा इन दोनों की डेफिनेशन, ये सिंपल टिश्यू हैं जो किससे बने हुए होंगे, सिंगल लेयर से मिलकर बने होंगे, एक ही परत से, एक ही परत होगी ऐसे सेल्स की, उससे मिलकर बने हुए होंगे, उन्हें बोलते हैं सिंपल। और जब बहुत सारी लेयर से मिलकर बने हो, ऐसे एक सेल थी, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी लग गई, इसी के ऊपर तीसरी लग गई, चौथी लग गई, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन सी सेल कहां पर है, ऐसे ऐसे, मतलब मल्टी लेयर टिश्यू, मल्टी लेयर टिश्यू, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ टिश्यू है, उसे कहा जाता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब एग्जाम में आते हैं क्या इनके एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इनके एग्जाम्पल आएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिंपल एपिथीलियल टिश्यू का एग्जाम्पल ये कहां प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों देखो, फाउंड इन ट्यूब्स एंड द कवरिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, कहीं पर भी आपके बॉडी में कोई डक्ट बनी है, डक्ट का मतलब क्या होता है, नली, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन्स होती हैं, ये एक नली है, तो इस नली के अंदर की तरफ कौन से टिश्यू की लेयर होगी, सिंपल एपिथीलियल टिश्यू की लेयर होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां पर भी आपके शरीर में कहीं डक्ट है, कहीं नली है, तो उन नलियों में किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथीलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक, एक तो डक्ट में होते हैं,
नलियां, जैसे आप लिख सकते हो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो धमनियां, आपकी सिराएं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जिनमें आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी आती हैं, इनके एग्जांपल लिखो किस किस में प्रेजेंट होंगे। ये आर्टरी में पाए जाते हैं, हिंदी में क्या लिखोगे, ये धमनियों में पाए जाते हैं। दूसरा लिखो वेन्स, ये सिराओं में प्रेजेंट होते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। जहां पर भी कोई डक्ट होगी, जहां पर भी ऐसे कोई नली बनेगी, तो उस नली में अंदर की तरफ टिश्यू की जो लेयर होगी बच्चों, वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे, एक लेयर से मिलकर बने होंगे ऐसे सेल्स के। अब दूसरा एग्जांपल क्या आता है यहां पर, दूसरा एग्जांपल आता है कि बॉडी कैविटीज, हमारे शरीर की कोई कैविटी है, कोई गुहा है, शरीर गुहा, कोई भी कैविटी। जैसे आपको मैं बताती हूं, आपका पेट, आपका पेट है वो ऐसा है, तो इस पेट के अंदर ये क्या है, एक कैविटी पड़ी है, एक खाली जगह पड़ी है। तो इस कैविटी के अंदर कौन से टिश्यू होंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। ऐसी बहुत सारी कैविटी होती हैं, थोरेसिक कैविटी, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर भी कोई खाली जगह पड़ी है, एक गुहा बन रही है, उस गुहा में, बॉडी कैविटी में कौन से टिश्यू होंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां होंगे, एक तो मैम जो डक्ट है, जो डक्ट है हमारे बॉडी में, कोई ट्यूब है, कोई नली है, कोई डक्ट है। दूसरा कवरिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी की कैविटी है उसकी कवरिंग का निर्माण करेंगे, कौन से वाले, एकल परत से, सिंगल लेयर से बने हुए टिश्यू। अब आइए दूसरी तरफ, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो मल्टी लेयर से मिलकर बने हुए हैं, वो होते हैं आपकी स्किन में, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर फाउंड इन आर स्किन। ये देखो एक लड़की की फोटो लगी हुई है, इस लड़की की ये जो स्किन है जो बहुत ही ग्लो कर रही है, इस स्किन के अंदर कौन से टिश्यू होंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो लिख दीजिएगा, इधर वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन आर स्किन। ये हमारी स्किन की लेयर बनाते हैं, हमारी त्वचा की लेयर बनाते हैं। आप सुनो एक बार फिर से, मैंने कहा एनिमल टिश्यू को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आने वाला है, आसानी से समझते जाना इसे। पहला कौन सा आप बताओगे, पहला एपिथेलियल टिश्यू है, हम वही पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पर सेल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हो, और ये मेनली प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, क्योंकि क्लोजली पैक्ड हैं, लेयर बनाने का, लाइनिंग बनाने का, स्किन बनाने का काम करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्किन में कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन एपिथेलियल का कौन सा टाइप होता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियल, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल। सिंपल वालों में सिर्फ एक लाइनिंग होगी, और जो कॉम्प्लेक्स वाले में होंगे उसमें लाइन लाइन, एक सेल के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवें, से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड टिश्यू। और वो कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में। तो हमारी स्किन में कौन से टिश्यू है, एपिथेलियल। एपिथेलियल का कौन सा टाइप है, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर, चलो आगे आओ। अब बच्चों ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं उन्हें भी आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सिंपल टिश्यूज हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं, सरल उपकला उत्तक हैं, इनको भी आप क्या करते हो, आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो, इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, कि कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, इनकी माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसी दिखेगी। तो लिखेंगे कौन कौन से तीन कैटेगरी में। पहला होता है बच्चों स्क्वैमस, चलो डायग्राम से पढ़ते हैं और आसानी से समझ में आएगा। पहला देखो, इससे पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, कि उनकी माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसी दिखेगी। जब आप इन टिश्यू की लेयर को कहां लेकर जाओगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, तो कौन सा कैसा दिखेगा, इसके आधार पर हमने इसे तीन भागों में बांटा। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस हिंदी में बोलेंगे शल्की एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है क्यूबोइडल, जो क्यूब के जैसे दिखेंगी सेल्स जिनकी, और कॉलमनार, कॉलमनार मतलब कॉलम के जैसी, सीधे खंबे जैसी सेल्स दिखेंगी। सुनिएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू,
स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कौन से? सिंपल। तो इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, स्क्वैमस टिश्यू क्या है? ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स हैं जो फ्लैटर्न्ड है, फ्लैटर्न्ड का मतलब है चपटी हैं। आप देखो ना इस टिश्यू को देखो, आप एकदम चपटी हुई सेल दिख रही होंगी आपको, कुछ ऐसी सी चपटी हुई सेल्स आपको बनी हुई दिख रही हैं, पूरी ऐसे चपटा पड़ा ये टिश्यू, ऐसे ऐसे एक सेल है बेचारी, ये चपटी पड़ी है, दूसरी चपटी पड़ी, ऐसे सरफेस एरिया से लगी हुई सेल्स हैं। तो ऐसी सेल्स, जो सेल्स एकदम चपटी हुई होती हैं, फ्लैटर्न सेल्स होती हैं, चपटी और पतली होंगी, बहुत थिन सेल्स होंगी। देखो कितनी पतली सेल्स हैं, ऐसे ऐसे आपस में लगी हुई हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत ही थिन हैं, बहुत पतली हैं और चपटी हुई हैं। तो इस प्रकार के टिश्यू को स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा आइए, ऐसी सेल्स जो क्यूब के आकार की दिखेंगी, ये देखना आपको, ये सेल्स आपको क्यूब जैसी दिखेंगी, क्यूब लाइक सेल्स, घनाकार कोशिकाएं। जब ऐसी सेल्स का आपको ग्रुप दिखेगा जिसमें सेल्स क्यूब जैसी हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे आप? क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, घन के आकार की जैसी, ये देखो ना एक घन बन रहा है आपको लग रहा होगा यहां पर, तो उसके जैसी सेल्स दिखेंगी वह क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। नेक्स्ट है कॉलम लाइक सेल्स, खंबाकार कोशिकाएं, ऐसे खंबे के जैसी आपको ऐसे लंबी लंबी सेल्स दिखेंगी। ये देखो बेटा आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो खंबे जैसी ऐसी लंबी लंबी सेल्स आपको दिख रही होंगी, तो इन्हें बोलते हैं क्यूबोइडल कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस बहुत नीचे की तरफ होता है, क्योंकि सेल्स ऐसी है ना तो इनका न्यूक्लियस ऐसे बेस में पड़ा हुआ होता है। सेल्स के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसे हरे कृष्णा, ठीक है। तो सुनिएगा कि ये जो कॉलम के जैसे लंबे खंबे जैसे स्ट्रक्चर के जो टिश्यू लगे हुए हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो उन सेल्स के बेस में होता है, उनके आधार में होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, स्कूल में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो स्कूल वाला बच्चा भी इसे आराम से पढ़ सकता है, लिख के आ सकता है पूरा एक पार्ट अगर आ जाए ना, एक्सप्लेन द एनिमल टिश्यू, तो आप क्या करोगे? एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू के बारे में स्टडी करना क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है। पहले बता चुकी हूँ कि हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है जिसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट टिश्यू। जब आप सारे प्रकार के टिश्यूज को डिटेल में पढ़ते हो तो उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अब एनिमल टिश्यू चार कैटेगरी में बंटे हुए, पहले एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के, सिंपल कंपाउंड, सिंपल को अगेन आप क्या करोगे तीन भागों में बांटते हो, किस किस भाग में? तो आप बताओगे स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलम। स्क्वैमस जिसमें से चपटी और पतली कोशिकाएं हैं, क्यूब के जैसी हैं क्यूबोइडल, खंबे जैसी हैं तो वो क्या हो जाएंगी? कॉलमनार। और जो खंबे वाली होती है उनका न्यूक्लियस उनके बहुत बेस में होता है, बहुत आधार में होता है। तो कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि किस प्रकार के टिश्यू का जो सेल्स है उनका न्यूक्लियस बहुत नीचे की तरफ होता है, तो कौन सा? क्यूबोइडल। अरे यार कॉलम वाला, खंबे वाला जैसा, ठीक है। अब इनके बच्चा एग्जाम्पल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम्पल ही आएगा एग्जाम में, बाकी इनकी स्ट्रक्चर तो अकेडमिक्स वालों को याद रखनी है। अब सुनिएगा बच्चा कौन कौन सा टिश्यू कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है स्क्वैमस टिश्यू के एग्जाम्पल, सब नोट कर लेना। स्क्वैमस टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें फ्लैटर्न सेल्स होती हैं, चपटी और पतली कोशिकाएं होती हैं। अब सुनिएगा कहां कहां होते हैं ये। पहला एग्जाम्पल कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा स्क्वैमस कहां प्रेजेंट होते हैं, तो स्क्वैमस प्रेजेंट होते हैं बच्चा एक तो शरीर की बाहरी सतह है पर, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, जो भी आपके बॉडी का जो सरफेस एरिया है आउटर वाला, उसमें होते हैं स्क्वैमस टिश्यू। दूसरा बताएंगे रक्त नलिकाओं के दीवार पर, जो वॉल्स ऑफ बॉडी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाओं में कौन से थे? सिंपल। लेकिन सिंपल का कौन सा टाइप है? यही तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, इसलिए तो टिश्यू वाला चैप्टर है, थोड़ा सा टफ लग जाता है भैया। ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन सिंपल का कौन सा टाइप है? तो स्क्वैमस है। तो जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे, इन ब्लड वेसल्स की ये जो लाइनिंग बनी हुई है, इस लाइनिंग में कौन से होंगे आप बताओगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा एग्जांपल फेफड़ों के अंदर वायु कोष में, आपके जो फेफड़े हैं इसमें ये क्या है? एक एल्वेओली है, इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़ों के अंदर जो इकाई है, फेफड़ों के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियन सेल्स होती हैं, जहां
पर क्या होता है, आप बताओगे गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन घुलता है, CO2 बाहर जाता है जहां से, उन्हें कहा जाता है एल्वियोली या कूपिका। तो इस कूपिका की जो अंदर वाली लाइनिंग है, इस लाइनिंग के अंदर कौन से होंगे, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, गुहाओं के नाजुक आवरण में कोई भी कवरिंग है कैविटी की, उसमें आपके कौन से होंगे, सिंपल, सिंपल में कौन से, स्क्वैमस। ग्रास नली क्या होता है, इसोफेगस। इसोफेगस में याद है तुम लोगों को, मैंने कहा था इसोफेगस में ऐसे अंदर की तरफ टिश्यू की लाइनिंग होती है, याद है ना तुम लोगों को कि टिश्यू की लाइनिंग होती है, और ये जो लाइनिंग है टिश्यू की, यही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे खाना आपके पेट में आता है। तो वो कौन से टिश्यू थे, वो थे स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसोफेगस भोजन नली या ग्रास नली में। नेक्स्ट है बकल कैविटी, ये वाला कैविटी, बकल कैविटी में जो जीभ है, उस जीभ के ऊपर कौन से टिश्यू हैं। मैंने कहा था ना, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जीभ एक मांसपेशीय अंग है, तो जरा बताओ कि जीभ की मांसपेशी में कौन से टिश्यू हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो। स्क्वैमस कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे एग्जाम्पल किस किस के हो गए, अब आप इस डायग्राम से पढ़ सकते हो। इसमें जो माउथ कैविटी है उसमें स्क्वैमस है, इस इंसान की जो बाहरी लेयर है उस लेयर में कौन, आप बताओगे कौन से टिश्यू है, स्क्वैमस टिश्यू है। इसके अलावा इसका एब्डोमिनल कैविटी हो गया, इसका पेल्विक कैविटी होगा, इसका थोरेसिक कैविटी हो गया, तो इन कैविटीज के जो लाइनिंग बना रहे हैं वो भी कौन से हैं, स्क्वैमस टिश्यू। और इस बंदे के अंदर जो इसका फूड पाइप है उसके अंदर भी कौन से हैं, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो भी कहीं पर भी कैविटी होगी, चाहे माउथ कैविटी, चाहे थोरेसिक कैविटी, चाहे एब्डोमिनल कैविटी, चाहे पेल्विक कैविटी, इन सारी कैविटीज की लाइनिंग बनाने का काम कौन करते हैं, जो चपटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, बोले तो स्क्वैमस टिश्यू। इसके अलावा आप बता दोगे बकल कैविटी, ईसोफेगस की लाइनिंग में, कैविटीज की लाइनिंग में, इन एयर सैक्स, एयर सैक्स बोलते हैं एल्वेलाइज को, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग और आपके बॉडी की सबसे आउटर लाइनिंग है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। हो गया क्लियर, स्क्वैमस टिश्यू कहाँ कहाँ होंगे, इनके एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने आप नोट कर लेना इन्हें, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, क्यूब लाइक सेल्स वाले, क्यूबोइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होंगे, ऐसे सेल्स जो क्यूब के जैसी दिखती हैं, तो ये टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से कि ये कहाँ कहाँ, लार ग्रंथियों में, हमने पढ़ी थी सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ थी, माउथ में, तो बच्चा सलाइवरी ग्लैंड्स की जो लाइनिंग थी उसमें कौन से टिश्यू होते हैं, क्यूबोइडल टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे गुर्दे की नलिकाओं में, गुर्दा किडनी, किडनी के अंदर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है जहां से यूरिन रिमूव होता है, किडनी के अंदर, किडनी से जो यूरिन आता है और फिर वो छनकर यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा वो पार्ट जहां से यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उस वाले पार्ट में भी क्या होते हैं, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है जनन गोनेट्स, टेस्टिस, और टेस्टिस जो मेल में होता है, लड़कों में जो टेस्टिस होते हैं उसकी लाइनिंग में, और जो लड़कियों में क्या होती है, ओवेरी, अंडाशय होते हैं, उनकी लाइनिंग में कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्यूबोइडल, क्यूब के जैसे, क्यूब के जैसे। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दे रही हूं। देखो यहां पर क्या बना हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इन सलाइवरी ग्लैंड में कौन से टिश्यू होंगे, क्यूब जैसे। किडनी में पूछ ले कि किडनी के अंदर ये जो भी डक्ट आ रही हैं, जो भी नलियां आ रही हैं, देखो किडनी के अंदर डक्ट का मतलब ये नहीं है ब्लड वेसल्स नहीं है, किडनी की खुद की जो ट्यूब है, जैसे मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपका पढ़ाऊंगी किडनी के अंदर एक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और क्या बताऊंगी आपका पढ़ाऊंगी वहां पर कि पीसीटी होता है, डीसीटी होती है, मतलब जो किडनी से जहां पर यूरिन जा रहा है उस रास्ते में, जैसे यूरेथ्रा वाला पार्ट है, वहां पर सारे कौन से होते हैं, क्यूबोइडल टिश्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल्स वाला है वहां पर सिंपल होगा, दोनों चीज को अच्छे से नोट करना। अगला ये देखो स्पर्म, मतलब स्पर्म किसने बनाया, स्पर्म्स किसने बनाए, टेस्टिस ने, तो टेस्टिस के अंदर कौन से टिश्यू होंगे, क्यूबोइडल। ये क्या है, अंडा,
अंडा मतलब अंडा किस में बनता है? लड़कियों में. कौन बनाता है? ओवरी. ओवरी तो ओवरीज में भी आप बताओगे कौन से टिश्यू होते हैं? क्यूबोइडल. और इन टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करते हैं. जैसे यूरेथ्रा वाले पार्ट से क्या बाहर जाएगा? यूरिन जाएगा. तो ये यूरिन को सिक्रीट कर रहे हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स किसको सिक्रीट कर रहे हैं? सलाइवा को सिक्रीट कर रहे हैं. तो और जैसे टेस्टिस से क्या बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है. ओवरी से क्या बन रहा है? फीमेल हार्मोन. कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये जो टिश्यू होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनका मेन काम क्या होता है? या तो किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड को सिक्रीट करेंगे या किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड का अब्जॉर्प्शन करवाएंगे. तो इस चीज को अच्छे से पल्ले में पाड़ लेना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एनिमल टिश्यू हैं जिनका मेन फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, जो किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करेंगे. लाइक सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू हैं वो सलाइवा लार बनाएंगे. अप्रोक्स एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार बनाते हैं ये. ऐसे ही यूरेथ्रा है तो इससे यूरिन बाहर निकल रहा होगा. टेस्टिस होगा तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा होगा. ओवरी होगा तो उससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाहर निकल रहे होंगे. तो इनका मेन काम सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. कौन से? जो क्यूब के जैसे दिखेंगे, जो क्यूबोइडल टिश्यू कहलाते हैं. ठीक है, चलो. तो दूसरा हो गया. अब तीसरा कौन सा है? कोलमनार, जो कोलम के जैसे बनेंगे, ऐसे लंबे लंबे खंबे जैसे दिखेंगे. वो कहां होते हैं? तो सबसे पहला तो इनके जो सरफेस एरिया होता है, ऐसे कोलम वाले, तो इनके सरफेस एरिया पर ऐसे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने कहां पढ़ी थी? विलाय. सब बच्चे जानते हैं ये कहां पढ़ी थी हमने? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पढ़ी थी. याद है तुम लोगों को कि ये हमने कहां पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये वाले जो होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? एक तो बच्चा याद रखना है कि इन टिश्यू के सरफेस पर क्या बनते हैं. आप बताओगे बेटा इन टिश्यूज की सरफेस पर विलाय प्रेजेंट होती हैं. ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी. ठीक है, ये कहां कहां होते हैं? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है. यहां पर देख लो, इनके अंदर ये जो क्यू आपका, ये जो खंबे जैसे टिश्यू हैं, ये कौन से हैं? आप बताओगे विलाय में कौन से टिश्यू होते हैं? प्यारे बच्चों आप बता दोगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का कॉलम वाला पार्ट. कॉलम वाला पार्ट, क्लियर है पॉइंट. अबाउट दूसरा, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिंग लाइनिंग एंड लेयर्स. जो आपका पेट है, इस पेट की लाइनिंग में, यहां पर मैंने कहा था कि पेट में कौन सी ग्लैंड होती है बच्चा? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है. जानते हैं ना ये बात कि पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड. तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनकी ये जो लाइनिंग है उसमें ऐसे क्यूब जैसे टिश्यू होंगे. और पता नहीं मैं बार बार क्यूब क्यों बोल रही हूं, कॉलम जैसे टिश्यू होंगे, खंबे जैसे होंगे. तो इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो पेट की लाइनिंग है, अमाशय की लाइनिंग, जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, उसकी लाइनिंग में कौन से टिश्यू हैं? तब आप क्या बताएंगे बेटा? खंबे जैसे वाले, ऐसे लंबे लंबे. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय बनी हुई थी वो भी किसकी बनी हुई होंगी? ऐसे खंबे जैसे टिश्यू, जिनको कॉलम वाले टिश्यू कहते हैं. ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. तो ये तीन टाइप के कौन से हो गए? सिंपल टिश्यू हो गए. ये तीन टाइप के कौन से हो गए? सिंपल टिश्यू हो गए. कुछ समझ में आया है तुम लोगों को? हा? एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करें. आज इतना ही पढ़ाऊंगी, बस इसी का रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि आज मैंने अगर ये करवा दिया ना आपको, आगे वाला कनेक्टिव वगैरह सब आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा. तीन क्लास में, तीन नहीं, दो या तीन क्लास में खत्म हो जाएगा ये. अब सुनो हमने क्या क्या पढ़ा. मैं एक बार फिर से आपको वापस करवाऊं कि हमने पढ़े एनिमल टिश्यू चार कैटेगरी में बंटे हुए होते हैं. जंतु उत्तक चार कैटेगरी में. पहला हमने कौन सा पढ़ा? एपिथेलियल. बाकी तीन भूल जाओ. एपिथेलियल जिसे क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक बोलते हैं. भैया जो ऐसे एक ही लाइनिंग से और बहुत सारी क्लोजली पैक्ड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. एक दो कैटेगरी में बंटे हुए होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर. एक होंगे सिंपल, एक होंगे कंपाउंड, मतलब जटिल. तो ज्यादा दिखने में कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? ये वाले. अगर ऐसे एक लाइनिंग से बने हैं प्यारे बच्चों तो सिंपल है, ऐसे
ऐसे बहुत सारी लाइनिंग से बन गए, ऐसे 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 एक सेल के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी दिख नहीं रहा है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई, उसे कंपाउंड बोलेंगे। फिर इस सिंपल को हम आगे तीन कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। ऐसी सेल्स जो किसके जैसी दिखती हैं, चपटी दिखती हैं, तब तो आप क्या बोलोगे, उन्हें स्क्वैमस या सल्की टिश्यू बोलते हैं। क्यूब के जैसे दिखते हैं तो क्यूबोइडल, और ऐसे खड़ी लंबे खंबे जैसे दिखती हैं तो कॉलमनार, कॉलमनार टिश्यू। अब ये कहाँ होते हैं, तो बच्चा डक्ट हो गई और आपकी कैविटी हो गई, उनमें होते हैं। क्यूब जैसे वाले कहाँ होते हैं, तो इन सबके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। और मेन आता है स्किन में कौन से होते हैं, तो स्किन में बच्चा जो आउटर लाइनिंग बनाते हैं वो तो कौन से होते हैं, ये वाले आउटर लाइनिंग, तो सबसे बाहरी सतह आपके बॉडी की, ये वाली एकदम बाहर वाली, तो इसमें तो होंगे कौन से, आप बता दोगे, आप बताओगे बेटा कौन से होंगे यहां पर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वैमस टाइप। लेकिन इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रॉपर जो स्किन बनी हुई है वो बनी हुई है इन कंपाउंड टिश्यू से, इन कंपाउंड टिश्यू से। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में आए कि स्किन की सबसे आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, तब तो स्क्वैमस टिश्यू है, लेकिन पूरा स्किन किससे बना हुआ है, तब वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना हुआ है, कंपाउंड टिश्यू से बना हुआ है, है ना। तो सारी सारी बातें ना अलग से थोड़ा सा ना इनके बस एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल कैसे आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में कौन से टिश्यू है, पेट की अंदर वाली लाइनिंग में कौन से टिश्यू है, डक्ट में कौन से टिश्यू है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हमने एपिथीलियल टिश्यू पढ़ लिया है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम कंपाउंड टिश्यू के टाइप होते हैं क्या, नहीं, कंपाउंड का आगे कोई टाइप नहीं होता, इसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी, बस कंपाउंड में इतना ही याद रखना है कि बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो बच्चा आप बताओगे कंपाउंड टिश्यू होते हैं, ठीक है, वरना आप इसका कोई टाइप नहीं है आगे, बस ये हमारी स्किन में होते हैं, हमारी स्किन बनाते हैं, ये हमारी त्वचा बनाते हैं, सिर्फ बस इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ कंपाउंड के कोई टाइप नहीं होते हैं। अब हम दूसरे टाइप का टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथीलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे बच्चा कनेक्टिव टिश्यू। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड भी आता है, लेकिन ब्लड यहाँ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ब्लड क्यों होता है वो बताएंगे, क्योंकि ब्लड इज ए सेपरेट चैप्टर, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। तो आज के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कल कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कल ये पढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, है ना, नोट कर लेना। हाँ, मैं इसका पीडीएफ ऐसा ही डलवाऊंगी, यही डलवाऊंगी आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ डलवाऊंगी, एक साथ डलवाऊंगी, ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ डलवाऊंगी। एक बच्चा कह रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आय का चैप्टर का पीडीएफ नहीं है, मैंने बेटा आपको डलवा रखा है, हाँ राहुल कुमार आपको क्या बात करनी है आप मेरे से पूछ सकते हो। पीडीएफ बेटा जहां पर आपका बैच है, जो भी आपने बैच ले रखा है उस बैच में आप बायोलॉजी की क्लास में जाओगे तो बायोलॉजी में आपको दो चीजें मिलती हैं, यहाँ ऑप्शन होगा लाइव क्लास का, यहाँ होगा पीडीएफ डाउनलोड का, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा नहीं है पीडीएफ, चलो मैं ह्यूमन आई का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिंदी इंग्लिश दोनों में डलवा देती हूँ। यस सिंधु सिंह तोमर, यस, अच्छा नहीं डला हुआ है, चलो अभी डलवा देती हूँ, आधे घंटे में डल जाएगा, ठीक है, हाफ एन आवर में, 30 मिनट में मैं डलवा दूंगी इसका पीडीएफ, ओके। लेकिन टिश्यू का पीडीएफ मैं जब टिश्यू वाला चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद डलवाऊंगी, तो ताकि सारा एक साथ दे दूंगी, ये अलग अलग टुकड़ों में दूंगी तो आप लोगों के पास खो जाएगा। नहीं है, चलो मैं डलवा देती हूँ, चलो नहीं है, मैं अभी डलवा दूंगी, अभी डलवा दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो, अभी डलवा दूंगी। चलो अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो, किसी को, राहुल कुमार कुछ मेरे से बात करना चाह रहे थे, राहुल कुमार आप क्या बात करना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। सौरभ कुमार ने 8 जुलाई को बुक परचेज की है, तो बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा 8 जुलाई को, किसी आपने गांव वाम से की होगी तो पोस्ट ऑफिस से आती है, पोस्ट ऑफिस में पता कर लो आप। हाँ जी बताओ क्या पूछना चाह रहे हो, राहुल कुमार आपका कमेंट नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है नीतीश कुमार, वो भी डलवा देती हूँ मैं,
सज्जन जी थैंक यू सो मच. अगर आपको लगता है मैं बेस्ट टीचर हूँ बायोलॉजी की, वैसे हूँ नहीं मैं बेस्ट, मेरे से भी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं इस मार्केट में. मैं तो बस ऐसे ही हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ. और हाँ, अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को ना एक काम करना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाना चाहिए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको रेटिंग देने चाहिए. वहाँ पर मैं सबकी रेटिंग पढ़ती हूँ, पता है तुम लोगों को, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, है ना. तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो प्लीज़ यहाँ पर रेटिंग दीजिएगा और मेंशन बिल्कुल कीजिएगा. बुक का नाम क्या है जसराज? बायोलॉजी वॉल्यूम वन. बायोलॉजी वॉल्यूम वन नाम है. चलो अब मैं कल मिलती हूँ तुम लोगों से, आज के लिए इतना बहुत है. बाय बाय.